नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास मुलाकात, मैं हूं राजन अग्रवाल। और खास मुलाकात में आज हमारे साथ बेहद खास व्यक्ति हैं। हमारे साथ हैं सुभाष बराला, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा इकाई के अध्यक्ष हैं। सुभाष जी के बारे में बता दें, इनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में इतिहास रचा, 4 से 47 सीटों तक पहुँचे और भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। सुभाष बराला जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद राजन जी। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि अभी जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं हरियाणा की जी, उससे खुश तो बहुत होंगे आप। देखिए, निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक दल के लिए जी सरकार बनाना ये बहुत खुशी की बात होती है जी। और हम एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में मैं अपनी बात करूं या मेरे से बहुत पुराने कार्यकर्ताओं की मैं बात करूं, ऐसे हजारों हजार कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश में रहे जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी को खड़ा करने के लिए लगाया। ऐसे सब पुराने कार्यकर्ता नए कार्यकर्ताओं के संघर्ष के कारण से, उनकी त्याग तपस्या के कारण से हरियाणा में सरकार बनी, ये बहुत खुश होने की बात है। लेकिन उससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात ही है, क्योंकि हम सत्ता कोई अपने लिए नहीं लेते। कोई सत्ता का उपयोग हम अपने घर परिवार के लिए करें ऐसा नहीं है। सत्ता हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की बेहतरी का कारण बने, उसके लिए सुख सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करवाएं, जन कल्याण के हम लोग काम करें और जो आधारभूत ढांचा है प्रदेश का उसको मजबूत करते हुए विकास की गति को हम तेज करें। हम एक पारदर्शी शासन दें, ईमानदार शासन दें, तो ये सारे काम हमने सत्ता प्राप्ति के बाद किए हैं और जनता ने उसका हमें परिणाम भी दिया है। दोबारा से लोकसभा का चुनाव जो आया उसमें भरपूर आशीर्वाद दिया है। इसलिए दो दो, इसलिए मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, खुशी का सवाल, मैं पूरी वही कह रहा हूँ, बढ़ते कुनबे को लेकर मैं वही बात कह रहा हूँ, उसी बात पे मारा हूँ। हमारे लिए दूसरी बात ये खुशी की थी, दो खुशी की बात हुई, पहली बार सरकार बनना, फिर हमने सरकार बनने के बाद जिन कामों को मैंने गिना है वो हमने काम किए। और इसी आधार पर जब लोकसभा का चुनाव ही हमारा नज़दीक आया उस समय से लेकर के और अब तक, और वो आगे जारी भी है, आम आदमी से लेकर के गाँव में मेंबर पंचायत से लेकर के और देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट यानी कि छोटे MP से लेकर के बड़ा MP तक आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। विधायक, वर्तमान के विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, ऐसे सब लोग जब जुड़ते हैं तो बहुत बड़ी खुशी होती है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ये जो एक माहौल हरियाणा प्रदेश के अंदर बना है उसके कारण से पूरी तरह से खुश है। एक परिवार होता है जी, चार दीवारी के अंदर माता पिता, उसके 2-3 बच्चे, बहनें, भाई, धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं तो घर छोटा लगने लगता है जी। लेकिन आपका तो घर जैसा था वैसा ही है, परिवार बड़ा होता जा रहा है, समावेश कैसे करेंगे? इतने विधायक दूसरे दलों से आपके पास आ गए, आपके अपने करोड़ों कार्यकर्ता हैं, हरियाणा में भी लाखों की संख्या में हैं ही जी, जी, जी। तो आगे जो विधानसभा चुनाव आना है उसमें क्या आपको नहीं लगता है कि जो परिवार आप बड़ा करते जा रहे हैं उसमें बर्तन बहुत जोर से बजने वाले हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, इसमें मेरा दृष्टिकोण इसमें खास करके सोचने का अलग तरह का है जी। पूर्व में भी सरकारें रही हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों ने हरियाणा प्रदेश में सरकारें बनाई हैं। कुछ ऐसी सरकार थी गैर कांग्रेसी जो भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेकर के बनी थी, कुछ ऐसी सरकारें थी खास करके कांग्रेस पार्टी की जो अपने दम पर भी इस प्रदेश के अंदर आई। ठीक है, मैं आपने जो बात कही मैं उसको परिवारवाद कहता हूँ कि परिवारवाद दूसरी पार्टी की सरकारें भी करती थी, परिवारवाद हम भी करते हैं। मैं दूसरे संदर्भ में आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, वो परिवारवाद करते थे, अपना जो उनका जो बाप दादा का जो परिवार है उसको लेकर के, अपने रिश्तेदारों का परिवार है उसकी सुख सुविधाओं के लिए उनको जायज़ नजायज़ जो काम करना होता था वो करते थे। ठीक है, मैं जनता के बीच में और मीडिया के सामने एक बात कहता हूँ, हम भी परिवारवादी हैं, लेकिन हमारे परिवार में उनके परिवार में एक अंतर है। उनका वो छोटा परिवार था, हमारा बड़ा परिवार है। मैं हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को भारतीय जनता पार्टी का परिवार मान करके चलता हूँ। जब हम पहले ही 2.5 करोड़ सदस्य हैं परिवार के, उनके सब की सुख की दुख की सब तरह की सुविधाओं के बारे में ख्याल करके चलते हैं सब लोगों तो की समान रूप से, मैं एक बात कहता हूँ कि समान रूप से सबकी हम सुख की कल्पना करके चलते हैं, सबकी गरीब व्यक्ति का कल्याण हो, ठीक प्रकार से सब लोगों के लिए सरकार की योजनाएं बने, उन योजनाओं का लाभ सब लोगों तक पहुंचे। जब हम सब लोगों को परिवार मान करके चलते हैं तो उसी परिवार का हिस्सा जो कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता केवल अलग विचार रखते थे
वो आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे विचार को लेकर के शामिल हुए हैं। इसलिए हमने जब सब लोगों को अपना परिवार माना है, तो इसलिए जब हम बड़े परिवार में पहले ही रहते आए हैं, तो हमें किसी प्रकार की कोई समस्या रहने वाली नहीं है, बल्कि हमें सुविधा होगी। पहले जो राजनीतिक सोच लेकर के जो बड़े स्तर के कार्यकर्ता, उसको मैं कह सकता हूँ जिसने संघर्ष किया है। देखिए, कोई भी आज राजनीतिक दल का व्यक्ति हमारे पास आता है, केवल विचार उसका दूसरा हो सकता है, लेकिन समाज में तो उसने काम किया ही ना, ठीक है, समाज की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ तो उसने किया ही ना। जब उनकी विचारधारा दूसरी थी, तब आप उनको मतलब दोषी, आरोपी, तमाम कई तरह के आरोप लगते थे कि यार वो भ्रष्ट हैं, वो चोर हैं, उनमें सहनशीलता नहीं है, या तमाम तरह की चीजें आप लोग कहते थे। जब आपके दल में आते हैं तो आपकी विचारधारा अपनाते हैं या अपनाने का नाटक करते हैं? अभी मैं इसमें कोई भी रिजल्ट निकालने नहीं जा रहा हूँ, वो अभी आपके साथ हैं, आप उनको अपना परिवार बता रहे हैं, लेकिन एक परिवार और है जो चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार है। मैं इसमें एक बात नहीं, चौधरी आपका पूरा पूरा जवाब एक राजन जी राज्यसभा में, राजन जी यही एक बार सांसद है, एक बार के लिए पत्नी उनकी विधानसभा में है, तो ये परिवारवाद नहीं है? नहीं, मैं इस बात को थोड़ा सा पहले जो आपने बीच में बात कही उसका जवाब मैं देता हूँ जी। आपने कहा है कि आप उनके ऊपर आरोप लगाते थे। देखिए, जिन लोगों के ऊपर हम आरोप लगाते थे, जिन लोगों के ऊपर आरोप सिद्ध हुए हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं लेने वाले। एक बात स्पष्ट है, एक भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कोई इस प्रकार के आरोप सिद्ध हुए हों, भ्रष्टाचार का, कोई क्राइम का, या कोई अनैतिकता का, उसको किसी को भी ना भारतीय जनता पार्टी में हमने लिया है, ना हम लेंगे। देखिए, मंच से नहीं लेंगे हम, विधानसभाओं में नहीं लेंगे ना। चुनावी जुमला कहाँ हुआ? नहीं, मैं कह रहा हूँ, पूरी समझना चाह रहा हूँ। बेसिकली हम नूह जाते हैं चुनाव प्रचार में, भारतीय जनता पार्टी के मंच से खड़े होकर आप कहते हैं कि INLD ने जो उम्मीदवार उतारा है, या INLD जो है बेसिकली वही है, वहाँ से आपने जाकर रुझान को वहाँ से शामिल करवाया। जो पिछला चुनाव प्रचार है, अगर हम उसका अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि आपने पूरी पार्टी को वहाँ दागी बताया है। पार्टी में सदस्य हैं, पूरा एक संगठन है, ढांचा है, तो जब वहाँ आप दागी बताते हैं, तो क्या वो कार्यकर्ता जो उस समय फलानी पार्टी का उम्मीदवार है, क्या वो दागी नहीं होता? देखिए, मैंने पहले भी एक बात कही है राजीव जी, कि ऐसा व्यक्ति विशेष एक भी आप बता दीजिए कि जो दागी हो और हमने उसको भारतीय जनता पार्टी में एंट्री दी, ऐसा नहीं है। देखिए, दूसरे दल में रह करके कोई दूसरे विचारधारा को लेकर के वो काम करता था। आज अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में अच्छा कार्यकर्ता आता है, और वो कार्यकर्ता उसका राजनीतिक अनुभव भी है, भारतीय जनता पार्टी का विचार स्वीकार करके आता है, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। पहले भी लिया, आगे भी लेंगे। जहाँ तक के चौधरी वीरेंद्र सिंह का सवाल आपने एक बीच में खड़ा किया है, देखिए, निश्चित रूप से हम प्रथम दृष्टा देखते हैं तो वो एक परिवारवाद आपको दिखाई देता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप एक बात देखिए, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ये इनके बेटे को टिकट की बात जब चली थी, उस समय उन्होंने अपना जो मंत्री पद है उससे इस्तीफा दिया, और अपनी राज्यसभा की सदस्यता से भी उन्होंने, ये मीडिया में आया था, उससे इस्तीफा दिया। लेकिन ये हमारा जो ऊपर का फ्लोर मैनेजमेंट होता है राज्यसभा का, और हमारे सीनियर नेताओं को, हमारे केंद्रीय नेताओं को देखना है उसको कब स्वीकार करना, कब स्वीकार नहीं करना। राज्यसभा के नाते हमारी जो वहाँ पर ताकत है, वो ताकत भी बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक व्यक्ति विशेष की बात करें, उन्होंने दोनों ही पदों से अपना इस्तीफा दे दिया था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मतलब और जहां तक दूसरों का परिवार परिवारवाद है, देखिए, और भाजपा का परिवारवाद आलाकमान तय करेगा, देखिए आलाकमान तय नहीं करेगा, ये एक समय होता है। हम किसी भावुकता में आकर के अपने नारे को एकदम से हम ये कह दे भाई हाँ हमने नारा लिया आज ही सारा कुछ हो जाएगा, नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है, उसको किसी भी तरह से ऊपर के नेता ठीक रख करके चलेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और समय आने पर जैसे उनका मंत्रिमंडल से इस्तीफा स्वीकार किया, इससे भी स्वीकार हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, स्पष्ट बात आपके सामने होगी, बात ये ठीक है। और जो हम आयात कर रहे हैं, या जो आ रहे हैं, जो आपका कुनबार बड़ा हो रहा है, इसमें जो आपके कथित सुधारक विधायक थे, जो भाजपा की गंदगी को साफ करने का बीड़ा उठाए हुए थे पिछले 1.5 साल से, उनकी आपत्तियों के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, उनकी आपत्तियां तो उसी समय खत्म हो गई थी, 1.5 साल से तो कहीं कोई इस प्रकार की है कि वो बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। 1.5 साल से तो कोई इस प्रकार की बात आई नहीं है, नहीं है। लेकिन बहुत पहले आई थी, भविष्य में लगता है बहुत पहले आई थी, सब सामान्य हो गया था। आज कहीं मिल जाएगी जो लोग आ रहे हैं। देखिए, आज कहीं कोई आपको कोई इस प्रकार की समस्या दिखाई देती है? नहीं, आज तो मीडिया के अंदर, मीडिया के बाहर, या कहीं भी, सिर्फ गलियों में समस्या है बारिश की वजह से जो उत्पन्न। देखिए, वो एक सामान्य बात होती है, उसको हम ठीक कर लेंगे। मेरा ये पूछना कि आगे आने वाले दिनों में
जो लोग आप शामिल करवा रहे हैं उन सबको टिकट मिल जाएगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है? देखिए टिकट तो 90 हैं, 90 से ऊपर कैसे जा सकते हैं? मैं यही कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना भी सब लोगों को टिकट, सबको टिकट मिल जाएगी, कैसे मिलेगी सबको टिकट? तो आने वालों को मिलेगी या कार्यकर्ताओं को? किसने किसने आश्वासन दिया सबको? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। हमने किसी को भी आश्वासन टिकट का राजन जी नहीं दिया है, गुण दोष के आधार पर, कार्यकर्ता की क्षमता के आधार पर टिकट दिया जाए। क्षमता जीतने की होगी, जो जिताऊ देखिए खाली जिताऊ की नहीं, जिताऊ की तो होगी होगी, उसकी काम करने की इतनी क्षमता है, अपने क्षेत्र की जनता किस प्रकार से सेवा दे सकता है, सारी बातें तय की जाती हैं, उसके आधार पर टिकट फाइनल होती है। ठीक है, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे खास मुलाकात में। हमारे साथ सुभाष बराला जी मौजूद हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ और राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खास मुलाकात, और खास मुलाकात में हमारे साथ बेहद खास व्यक्ति हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी मौजूद हैं। सुभाष जी आपका स्वागत है ब्रेक के बाद दोबारा से। हम सीटों की बात कर रहे थे, आपने कहा कि सबको 90 सीटें ही हैं और सबको सीट नहीं दे सकते। अकाली दल से आवाज़ आ रही है इन दिनों, जो हरियाणा का विंग है उनका, कि हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ेंगे जी, सीटों पर कोई बात हुई अभी? देखिए अभी ये केवल मीडिया तक चर्चा सीमित है जी, अभी बैठ करके इस विषय के ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है। जब कोई इस प्रकार की बात की आवश्यकता होगी करेंगे बैठ करके बात। कोई संभावना बनती है, मतलब जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बात करने के बाद ही कोई बात निकलती है? नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि अब की बार 75 पार जी, और तमाम दलों के विधायक, पूर्व मंत्री, पार्षद, छोटे से लेकर बड़े नेता, स्टेट लेवल के जो भी हैं, वो आपको आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या कोई संभावना आपको लगती है? देखिए संभावना जब तक हवा में है उसको हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, जब कोई बैठ करके चर्चा होगी क्या चाहते हैं, अभी तक तो हमें यही नहीं पता कोई क्या चाहता है। ठीक है, हमें ये भी नहीं पता वो चाहते हैं कि नहीं चाहते। जब बात होगी बैठ करके आमने सामने, और जब हरियाणा की इकाई के साथ, केंद्र की इकाई के साथ जब जा करके कोई बात होगी, अभी तक ऐसा कोई विषय नहीं है कोई। ठीक है, लोकसभा चुनाव में आपने एक महिला उम्मीदवार उतारी जी, आप महिलाओं को तवज्जो देने की बात करते हैं, उनके फेवर की बात करते हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं की कितनी भागीदारी की हम उम्मीद करें? देखिए जैसे हम संगठन में महिलाओं को 33% स्थान देकर के चलते हैं। ठीक है, व्यवस्था आपने बनाई है, साल दो साल से भारतीय जनता पार्टी में चली आ रही है जी, चुनावी राजनीति में भी ये इसी प्रकार से उनकी भागीदारी बढ़े जी, ये प्रयास हमारा रहता है, और महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए हमारा महिला मोर्चा खूब सक्रिय रहता है, खूब काम करता है। जो भी इस प्रकार की प्रतिभाशाली हमारी महिला कोई बहन इस प्रकार की राजनीति क्षेत्र में आती है तो उसको उसके अंदर स्थान दिया जाता है, संगठन में स्थान देते देते फिर चुनावी राजनीति में कैसे उसको उतारा जाए, हमारा प्रयास रहता है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आज के महिलाएं चुनावी राजनीति में भी, इसका प्रयास पहले भी रहा है और आगे भी ये जारी हमारा रहेगा, कोशिश ये रहेगी कि और ज़्यादा महिलाएं चुन करके विधानसभा के अंदर आए। अब चूंकि चुनाव है तो सारे सवाल मेरे इसके आसपास ही रहेंगे। लोकसभा का चुनाव आपने मोदी के नाम पर लड़ा, नरेंद्र मोदी जहां भी गए उन्होंने कहीं उम्मीदवारों के नाम का हवाला नहीं दिया कि फलाने को वोट दो, जिमकार उन्होंने एक बात कही कि आपका वोट सीधा मोदी को जाएगा, और जो बम्पर खेती हुई लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो सबके सामने है, कुछ छुपा नहीं है। हरियाणा में जब आप चुनाव मैदान में जाएंगे तो नाम पर वोट मांगेंगे तो किसके नाम पर मांगेंगे, और अगर काम पर वोट मांगेंगे तो किस काम पर मांगेंगे? एक बात मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब लोकसभा का चुनाव था नरेंद्र मोदी जी का नाम और काम जी इसकी तूती बोल रही थी, और जनता ने नरेंद्र मोदी जी को डट करके वोट दिया कि दोबारा से देश के प्रधानमंत्री बने जी। व्यक्तिगत वो क्षमता है, अगर बात करें नरेंद्र मोदी जी की, खूब उस क्षमता का उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए उपयोग भी किया और लोगों को पता भी चला इस बात का कि कितना काम कर सकते हैं जी। लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय दे करके गए थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दे करके गए थे, उसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़े और उनके अंत्योदय को लेकर के गरीब कल्याण किस प्रकार से हो सकता है,
और देश का समग्र विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा के आधार पर किस प्रकार से हो सकता है, इसको खूब उन्होंने लेकर के आगे बढ़ने का एक प्रयास किया जो 100% सफल रहा। इसी प्रकार का प्रयास हरियाणा प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है, पार्टी की विचारधारा के आधार पर कैसे आगे बढ़ा जाए उन्होंने करके हरियाणा प्रदेश के अंदर दिखा दिया है। और ये जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुटता के साथ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में लड़ेगी और एक इतिहास इस बार हरियाणा प्रदेश के अंदर राजन जी बनेगा। तो सुभाष जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि चुनाव में मनोहर लाल खट्टर का नाम ही आगे आएगा। देखिए, मैंने कहा है कि उनके नेतृत्व में जो सरकार चली उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचार को लेकर के 100% आगे वो बढ़ने का काम पार्टी किया। का विचार अलग है, मैं यही समझना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिसके आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, नाम पर वोट मांगेगी या काम पर वोट मांगेगी? देखिए, दोनों ही बातों पर, नाम पर और काम पर। मनोहर लाल जी ने इतना बढ़िया काम किया है मुख्यमंत्री रहते, तो उनके नाम पर वोट नहीं मांगेगे तो किसके नाम पर मांगेंगे? उनके काम पर वोट, उनके काम पर वोट नहीं मांगेंगे तो किस पर मांगेंगे? देखिए, 35% घोषणाएं जो मनोहर लाल ने की है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है, उनमें 35% घोषणाओं पर अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप आरोप ये भी है कि हरियाणा धीरे धीरे क्राइम कैपिटल की तरफ बढ़ने लग गया है, दिल्ली से सटा है, NCR में आधे से ज्यादा जिले हरियाणा के आते हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। हवाला देते हैं विपक्षी विरोधी दल कि यहीं पानीपत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, इसके बावजूद बेटियों को लेकर क्राइम बढ़ा है, अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, विरोधी ऐसा आरोप लगाते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने कहा है कि 35% घोषणाएं बची हैं, ऐसा नहीं, इससे काफी उन पे काम शुरू नहीं हो पाया है, कुछ से कम है। मैं बताता हूँ, देखिए, आप घोषणाएं जो शुरू की घोषणाएं हुई उसमें बहुत सारी घोषणाएं ऐसी थी जिनकी फिजिबिलिटी नहीं थी, किसी न किसी तरह की रुकावट थी। ठीक है, मैं उदाहरण देता हूँ, दो घोषणाएं, टोहाना विधानसभा क्षेत्र की रुपान की व्यवस्था है, बहुत पारदर्शी व्यवस्था है, बहुत पुख्ता व्यवस्था है चुनाव करवाने की, समय भी इसमें कम लगता है, पारदर्शिता भी इसके अंदर है। आप उठा करके देखिए, उदाहरण पूर्व के जब बैलेट के ऊपर चुनाव होता था किस प्रकार से बूथ पर लूट होती थी, कैप्चरिंग होती थी, बंडल उठा उठा करके जो वोट की पर्ची होती थी उसके ऊपर लगा करके ठप्पे लगा करके बॉक्स के अंदर, बैलेट बॉक्स के अंदर डाल दिए जाते थे, कितने उदाहरण होते थे। अब कहते हैं मशीनों में कहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनकी सरकारें भी रही है ना, पंजाब में इनकी सरकार आई कैसे आ गई थी, दिल्ली में इनकी सरकार कैसे आ गई थी, कुछ और प्रदेशों में, राजस्थान में इनकी सरकार आई, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार आई, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार आई, वहाँ पर भी तो ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अगर गड़बड़ी हो सकती थी वहाँ भी तो कर सकते थे। ठीक है, कर्नाटक के अंदर आई, समय की पाबंदी है, मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत पक्ष की तरफ भी जाना चाहता हूँ, ये तो संगठन और पार्टी की बात हुई। फिल्में देखते हैं आप? देखिए, बहुत कम देखता हूँ, समय नहीं मिलता। गाना तो सुनते होंगे? देखिए, बहुत कम। गाने भी नहीं सुनते? बहुत कम सुन पाता हूँ। संगठन में गीत तो गाते होंगे? हाँ, संगठन के गीत चलते हैं। तो एक गीत हो जाए छोटा सा हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, वो तो खूब है, संगठन में गीत हम गाते हैं, एक छोटा सा। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। बहुत धन्यवाद सुभाष जी आपका, आपने लिविंग इंडिया न्यूज़ के लिए वक्त निकाला, धन्यवाद। तो मित्रों, आज खास मुलाकात में सुभाष बराला, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ थे। अगले हफ्ते फिर एक बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।